चूहे खा रही है। जिंदगी में ऐसा काम कभी नहीं जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया है। बहुत अच्छा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हमारे को। सुबह और शाम यही खा लेते हैं। कमी क्या लगती है? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है। आप लोग पहले आए हो? नहीं नहीं, रोज आते नहीं, रोज आते नहीं, आते हो? नहीं आते सब लोग। आप शिविर में पर अध्यक्ष मंडी से आया हूँ। हमारी मंडी में बहुत जोरदार चल रहा है जी, ये रसोई का बहुत जोरदार जी, बहुत जोरदार। इस यहाँ इस रसोई में मैं दो तीन हाँ राउसर मंडी का अध्यक्ष हूँ और वहाँ भी ये रसोई करें बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी बार आज खाना खाया मानगढ़ से और मैं स्कूल भी चलाता हूँ, स्कूल चलाता हूँ मैं, आदर्श पाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा। तीसरी बार खाना खाया सर यहीं से खाया। बताओ आपके स्कूल चलाते हो? हाँ जी। तब भी आपको यहाँ आगे खाना खाने का? नहीं सर, हाँ मन करता है जब घर से नहीं लेके आते, मेरा टाउन में रहता हूँ तो कभी घर से नहीं लेके आते। चार जैसे आज सुबह से सभा में थे उधर से, तब मेरा भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं सर, मटर पनीर सुबह के भूखे थे तो आज भूखे थे आज एकदम ठीक है। पता लगे तभी आप आ रहे हो, लेकिन आपसे पहले ना यहाँ पे चार 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 रोटियां खा चुके हैं। इतनी बढ़िया थी, बढ़िया बढ़िया, मतलब इतनी टेस्टी खाना है। भाई ऑर्डर बताया सर, मतलब बहुत अच्छे घर जैसा। मैंने एक उनको कहा, मैं क्या साथ में एक प्याज और देते ना तो ग्रहण भी लिखा। कमी बता दी सलाद की, कमी नहीं सर, खाना बोल कमी नहीं, खाना बोल बेसिकली पंजाबी हूँ, आटा भी बढ़िया है एकदम, बेसिकली पंजाबी हूँ सर, सरदार हूँ, बेसिकली पंजाबी हूँ। तो पंजाबियों का क्या है, साथ में प्याज खाना उनको पसंद है, टेस्टी लगता है। बहुत 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 अच्छा नहीं साथ में, बहुत बढ़िया खाना, बढ़िया मटर पनीर का खाना मिल जिला परिषद हरियाणा जी का पोता है, छोटे भाई राजेंद्र जी का भाई। और सही बताऊं, आज हम पहली बार मैंने ये खाना खाया है, वो भी आपकी मीटिंग में सुबह से थे तो भूख लगी थी, और जब आप उतर तो भी हम यहाँ पे खाना खाते हैं। और मैंने बाजार में देखा है कि जो जैसे रेलवे स्टेशन के नजदीक या सरकारी हॉस्पिटल रहता हूँ, गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास 8 रुपये भी नहीं है भोजन देने के लिए, वहन करने के लिए। पर यहाँ के जैसे सेठ लोग हैं या कोई व्यापारी लोग हैं, जैसे नगर परिषद के भी गणेश दास जी जैसे भी हमारे यहाँ पे, तो ये लोग शहर में जो गरीब लोग हैं उनका पैसा मिलता तो वो वहन करते होंगे। मैंने देखा कि इंदिरा आवास के जो रेलवे स्टेशन पे और सरकारी हॉस्पिटल या स्टेशन के नजदीक वहाँ पे पता चलता है साथ गरीब जो खाना खाते हैं हमारे यहाँ जैसे व्यापारी हैं उन्होंने कह रखा है जैसे 100 मेरी तरफ से खिला देना, 100 मेरी तरफ से, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं। बहुत सारे मानगढ़ की जो जनता है बहुत इस मामले में बहुत अच्छी है, राजस्थान की क्या चलती है सर, एनजीओ भी बच्चों को यहाँ खिलाए खिलाते हैं और पैसे वो व्यापारी मान लो मैं व्यापारी हूँ तो बच्चों को यहाँ के खिलाते हैं। तो सर कैसे जनता के शहर में गणेश जी बंसल जी कोई चीज की कमी आनी नहीं देते सर, पहली अब सर बहुत मजा आ रही है, कभी कहीं कोई जरूरत हो जब किसी चीज की दिक्कत, कोरोना में इतना दिक्कत थी तो उन्होंने सारी व्यवस्था कराई गणेश राजीव अपने सभापति चेयरमैन गणेश राजीव कोरोना में सर खुद जेब से पैसे दे देंगे हरेक धर्मशाला में, 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, बच्चे जाते हैं वहाँ अपने जाते स्टेडियम में, तो एक दिन कहने लगे बच्चे कहते सर भूख लगी है। मैंने कहा वो कपिल जी की रसोई है बस स्टैंड, मैंने कहा वैन वाले को बोलना मैं सीधा भाई ले जाना खाना खिला के ले आना। भारत जोड़ो यात्रा में गया था दोसा में, हमने ये बहुत अच्छा था, मेरा उसको मिला भी था और वहाँ पे दोस्तों ने हमने इंदिरा रसोई में खाना खाया था, वहाँ पे उसमें जो पूरियों पर कोई वो दिन था जिसने पूरियां नहीं मिली थी, बड़ा अच्छा लगा जी वहाँ पे। चलो सर बड़ी मेहरबानी की आपने, बहुत जरूरतमंद लोग सर। एक आपने जो मेरी राउसर मंडी को जो लोबी का भूमि दी थी आपने पहले आपके शासन में, वो कामयाब हो गई एकदम बढ़िया, इसलिए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद।